इन नारेबाजी को जरा आप गौर से सुनिए, सुनिए खट्टर सरकार के खिलाफ लग रहे नारे को और देखिए खट्टर साहब के जनसंवाद कार्यक्रम में अपनी फरियाद लेकर आए हुए उन फरियादी को, जिन्हें कार्यक्रम के बीच में ही धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है। कैसे इन फरियादियों को धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा है? कार्यक्रम जनसंवाद का था, लेकिन इन फरियादियों के संवाद सुने बगैर ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मुख्यमंत्री खट्टर सिरसा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक जनसंवाद कार्यक्रम किया, लेकिन इस कार्यक्रम के अंत में अचानक खट्टर साहब और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और ये नारेबाजी करने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही खट्टर सरकार मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का कहना है कि कार्यक्रम में काटे गए राशन कार्ड की समस्याओं को लेकर वो लोग वहां पहुंचे थे और इसी को लेकर मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन भी देना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं से ही संवाद कर रहे थे, तो फिर क्या था, इन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धक्का देकर कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया। सर आज मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद था, हम जनता की समस्या लेकर आए थे। 4 दिनों से हमने धरना लगाए हुए हैं, जो गरीब लोगों के राशन कार्ड काटे हैं, पेंशनें काटी हैं, उसको लेकर हम मुख्यमंत्री जी के पास आए थे। जनसंवाद के अंदर संवाद नहीं होगा, केवल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही मुख्यमंत्री से संवाद कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री से संवाद करना चाहा तो मैं धक्के देकर वहां से निकाल दिया, ये हमारा मांग पत्र फाड़ दिया और ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी के हर प्रोग्राम में अपनी बात रखेंगे, अगर चाहे हमें गिरफ्तारी देनी पड़े, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ये ड्रामा कर रहे हैं जनसंवाद के नाम पर, हम ये ड्रामा जनता में बताएंगे कि जनसंवाद नहीं है, ये कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। मंच पर खुद खट्टर साहब मौजूद थे, बगल की कुर्सी पर सांसद सुनीता दुग्गल भी बैठी, तमाम लाव लश्कर भी मौजूद था और उसी मंच पर सभी चिर परिचित और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का भी जमघट था, लिहाजा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विरोध करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आरोप के अनुसार जब जनसंवाद में जनता की फरियाद नहीं सुननी है तो कार्यक्रम करने का मतलब ही क्या है। सिरसा से बलजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।